ए और बी दोनों मिला के जो है वो एक किसी भी पर्टिकुलर काम को 18 दिन में करते हैं, ठीक है। बी और सी दोनों एक काम को कितने दिन में करते हैं, 24 डेज में करते हैं, और ए और सी दोनों मिला के एक किसी काम को 36 डेज में करते हैं, ठीक है। तो हमको बताना है कि अगर तीनों एक साथ मिल जाए तो कितने दिन में काम होगा। तो देखो, दिस इज टाइम टेकन बाय ए एंड बी, दिस इज टाइम टेकन बाय बी एंड सी, और ये क्या है, टाइम टेकन बाय सी एंड ए, ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं निकालू वर्क डन बाय ए एंड बी इन वन डे, एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे, तो मैं क्या करूंगी, 1/18, ठीक है। अब मुझे निकालना है वर्क डन बाय बी एंड सी इन वन डे, एक दिन में ये दोनों कितना काम करते, तो क्या करूंगी, 1/24। ऐसे वर्क डन बाय सी एंड ए, एक दिन में ये कितना काम करते, तो 1/36, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे जो है मैं सारी वर्क डन को ऐड कर लेती हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो देखो, अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। देखो, सब में दो दो दफा ए आ रहा है, दो दफा बी, दो दफा सी आ रहा है, तो देखो यहाँ पे सब में 2a, और यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, तो 2 times of b, यहाँ पे भी c है, यहाँ पे c है, तो 2 times of c, ये कितना हो जाएगा, 1/18, इसको ऐड करो 1/24, इसको ऐड करो 1/36, ठीक है, क्लियर है। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 72, और ये कितना हो जाएगा, 4 + 3 + 2, ये हो जाएगा हमारा 9/72, ठीक है। 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 4s are 12, ठीक है, 1/8। अब मैं अगर ये वाला 2 नीचे लेके आती हूं तो वर्क डन बाय ए बी एंड सी कितना हो जाएगा, 1/8, इसको नीचे लेके आओ तो ये हो जाएगा 1/16, ठीक है। तो ये ए बी और सी तीनों जब एक साथ मिलके काम करते हैं तो इतना काम होगा एक दिन में, तो टाइम टेकन, अब इसको इरेज कर दो यहां पर, टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी टू वर्क टुगेदर, कितना टाइम लगेगा अब इफ दे वर्क टुगेदर, 16 डेज। मैं क्या करूंगी, 1/16 का रेसिप्रोकल लोगे तो कितना आ जाएगा, 16 डेज, क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।